श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ महला पंजवां हरि हरि नामो जपूं मेरे मीत निर्मल हुई तुम्हारा चित मन तन की सब मिटे बुलाई दुख अंधेरा सगला जाई हरि गुण गावत तरिए संसारो वड़ पागी पाइये पुरख पारो। हे मेरे मित्रों हरि का नाम जपो, हरि हरि नामो जपो मेरे मित्र, जिससे तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल होई तुम्हारा चित्त, तुम्हारे तन मन की सब बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, मन तन की सब मिटे बुलाई और जीवन से दुख का अंधेरा सदा के लिए मिट जाएगा। मन तन को सब मिटे बुलाई दुख अंधेरा सगला जाएगा। हरि के गुण गाते हुए संसार का उद्धार होता है और इसी से सौभाग्यवश जीव को परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। हरि गुण गावत तरिये संसारो वड़ पागे पाइये पुरख पारो। जो जन करे कीर्तन गोपाल तिस को पोही न सके जमकाल, जम में आया सो परवानु गुरमुखी अपना खसम पछानु। जो प्रभु गोपाल का गौओं के पालन करने वाले श्री कृष्ण का कीर्ति गान करते हैं, स्वयं यमदूत भी उस तक नहीं पहुंच सकते। संसार में ऐसे ही लोगों का जन्म लेना सार्थक है, इसलिए अजीव गुरु की कृपा से तो अपने मालिक को पहचान। जो जनु करे कीर्तनु गोपाल तिसको पोही न सके जम कालू, जग में आया सो परवानु गुरुमुखी अपना खसम पछानु। हरि गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिट्टी उन्माद, सदा अजूरी जानु भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत। साधु संगति में रहकर के जीवों की गुरु कृपा से हरि का गुणगान करना चाहिए। इससे काम क्रोध आदि का उन्माद नष्ट हो जाता है। ऐसे जीव पूरे गुरु के उपदेश को पकड़ के अपने को नित्य परमात्मा हरि के निकट मानते। हरि गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिट्टी उन्माद, सदा हजूरी जानु भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत। हरि तनु खाटी किए पंडार, मिली सतगुरु सभी काज सवार, हरि के नाम रंग रसंगी जागा, हरि चरणी नानक मनु लागा। हरि रूपी धन कमा करके अपने भंडारों को भर लो। गुरु की कृपा से अपने सब काम सवार लो। मनुष्य हरि के नाम से ही सच्ची जागृति प्राप्त करता है और गुरु नानक जी कहते हैं कि उसी के नाम में अपना मन रमाता है। हरि तनि खाटी की ये पंडार, मिली सतगुर सभी काज सवार, हरि के नाम रंग रंगी जागा, हरि चरणी नानक मनु लागा। गौड़ महला पंजवां पाव सागर बोहित हरि चरण, सिमरत नामू नाही फिरी मरण, हरि गुण रमत नाही जम पंथ, महाविचार पंच दूत मंथ, तव सरनाई पूरन नाथ, जंत अपने को दीजिए आथ। संसार सागर से पार होने के लिए हरि चरण जहाज है। पाव सागर बोहित हरि चरण, परमात्मा हरि का नाम सिमरन करने से जीव का कभी नाश नहीं होता। सिमरत नामु नाही भीरि मरण, हरि का गुण गाने से जीव यमों के चंगुल से नहीं चुंगल में नहीं फंसता और पांचों दूतों की कुटिलता से मुक्त हो जाता है। हरि गुण रमत नाही जम पंथ, महाविचार पंच दूतु मंथ। है मेरे स्वामी, हे मेरे हरि जी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, अपना सेवक जान करके मेरी रक्षा करो। तव सरनाई पूरन नाथ, जंत अपने को दीजिए आथ।
स्मृति शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करी बख्यान, जो कि जति वैष्णो रामदास मिति नहीं ब्रह्म अविनाश। सभी वेद शास्त्र और स्मृतियां पर ब्रह्म के गुणों का बखान करती हैं, उस हरि के गुणों का बखान करती हैं। योगी यति वैष्णव और रामदासी आदि उस अनश्वर परमात्मा हरि का अंदाजा नहीं लगा सकते। जोगी जति वैष्णो रामदास मिति नहीं ब्रह्म अविनाश। करण पला करी शिव देव तिलु नहीं बुच्ची अलक अभेद, प्रेम भक्ति जिस आपी दे जग में विदले कई के। स्वयं शिवजी महाराज उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते, किंतु उस अलख अभेद परमात्मा हरि को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु जिसे चाहे प्रेम भक्ति दे सकते हैं और उसे प्राप्त करने वाले संसार में विरले जन ही होते, जग में विरले कई कई। मोहे निर्गुण गुण किचु नाई, सर्व निदान तेरी सृष्टि माई, नानकु दीनो जाचे तेरी सेव, करी कृपा दीजे गुरुदेव। मैं गुण विहीन हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, हे सर्व निधान सृष्टि में मैं अकिंचन हूँ। नानक जी तुम्हारी सेवा की याचना करते हैं, कृपा करके हे गुरुदेव उनकी झोली भर दो। सर्व निदान तेरी दृष्टि माई, नानक दीनु जांचे तेरी सेव, करी कृपा दीजे गुरुदेव। गौर मैला पंजवा, संत का लिया धरती बिदारू, संत का निंदको आकाश ते तारू, संत को राखो अपने जी नाली, संत उदराऊ तत खिन ताली। संतों के द्वारा तिरस्कृत जीव धरती पर रहने के योग्य नहीं है। संत का लिया धरती बिदारू, संतों की निंदा करने वाले को आकाश से गिरा दिया जाना चाहिए। संत का निंद को आकाश से तारो, संतों का नाम अपने प्राणों के साथ रखा जाना चाहिए। संत को रखूं अपने जी नाली, क्योंकि संतों की कृपा हो जाए तो क्षण भर में ही जीव का उद्धार हो जाता है। संत उदारूं तत खिन ताली, संत वही होता है जो प्रभु को प्रिय हो। वास्तव में संत और परमात्मा का एक ही काम है, अर्थात हरि और संत में अभेद होता है। सोई संतो जी पावे राम, संत गोविंद के एक ही काम। संत के ऊपरी देवी प्रभु आथ, संत के संगी वसे दिन रात, सांसी शांति संता प्रतिपाली, संत का दुखी रास्ते ताली। संतों पर परमात्मा हरि का संरक्षण होता है, इसलिए दिन रात उन्हीं के संग बसना या रहना समीचीन है। परमात्मा श्वास श्वास संतों का पालन करता है। संतों को कष्ट पहुंचाने वाला अपनी प्रभु सत्ता खो बैठता है। सांसी सांसी संतै प्रतिपाली, संत का दुखी राज टाली। संत की निंदा करो ना कोई, जो निंदा तिसका पत्नु होई, जिसको राखे सिजन हारो, चख मारो संसार संसार। चख मारो सकल संसार, ऐ लोगो संतों की निंदा मत करो। निंदा करने वाले का पतन निश्चित होता है। मैं परमात्मा जिसका रक्षक है, सारा संसार चाहे झख मार ले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको राखे सिजनारू चख मारू सगल संसार। प्रभु अपने का प्या भी सासू, जीव पिंडो सभी तिसकी राशि, नानक को उपजी प्रतीति, मनमुख आर गुरुमुख सदा जीती। अपने प्रभु पर जब विश्वास जगता है
तो जीव तन मन को उसी की धरोहर बांध करके उस पर समर्पित कर देता है। गुरु नानक जी का विश्वास है कि परमात्मा को समर्पित हो जाने वाला गुरुमुख सदा विजयी होता है। मन के संकेतों पर आचरण करने वाला जीव जीवन में पराजित हो जाता है। नानक को उपजी प्रतीति मन मुखार गुरुमुख सद जीती। गोट मैला पंजवा नामो निरंजनो निरि नारायण रसना सिमरत पाप बिलाइन। परमात्मा हरि का पवित्र नाम निर्मल नीर के समान है। जिहा से इसका जाप करने से सब पाप धुल जाते हैं। नाम निरंजनो निरि नारायण रसना सिमरत पाप बिलाइन। परमात्मा सब में निवास करता है, उसी नारायण का प्रकाश घट घट में विद्यमान है। नारायण का नाम जपने से कोई नरक नहीं जाता है, उसकी सेवा में सब मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। नारायण सब मय निवास, नारायण कटी कटी परगास, नारायण कहते नरकी नामा जाही, नारायण सेवी सगल फल पाऊं। नारायण मन मई आधार, नारायण बोहित संसार, नारायण कहत जम पागी पलायन, नारायण दंत भाने डाइन। अजीव इसलिए तू मन में नारायण का आश्रय ले, क्योंकि वही संसार का जहाज है। नारायण का नाम जपने से यमदूत भाग खड़े होते हैं। नारायण ही माया रूपी पिशाचनी के दांत तोड़ता है। नारायण कहत जमो पागी पलाइन, नारायण दंत पाने डाइन। नारायण सत सत बख्शिंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संगी नारायण, बार बार नारायण गायन, वस्तु अगोचरो गुर मिली लही, नारायण ओट नानक दास गही। परमात्मा नारायण क्षमाशील है, सबके लिए सुख और आनंद देने वाले हैं। विश्व में सब और उसी प्रभु नारायण का प्रताप प्रकट है। वही सब संत महात्माओं के माई बाप है। गुरु की संगति में जीव हमेशा नारायण नारायण ही कहता है, बार बार नारायण नाम का गान करता है। मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे की अमूल्य वस्तु तभी प्राप्त हो सकती है जब नानक जी नारायण का सहारा लेते। वस्तु गोचरे गुरु मिली लही, नारायण ओट नानक दास गही। गोड मैला पंजवा जाकू राखे राखन आरू, तिसका अंगु करे निरंकारू, मात गर्भ मई अग्नि न जोहे, काम क्रोधु लोभो मोहु न पोहे, साध संगी जपे निरंकारू, निंदक के मुंह लगे छारू। परमात्मा हरि जिसकी रक्षा करता है सदा उसी का पक्ष लेता है। माता के घर में उसे अग्नि के दुखों से बचाता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि उसे परेशान नहीं करते हैं। गुरु की संगति में वह निरंकार का जाप करता है और निंदक जन के मुंह पर राख पड़ती। साध संगी जपे निरंकारू, निंदक के मुंह लागे चारू। राम कौचु दास का सन्नाहु, दूत दुष्ट तिहु पोहत नाई, जो जो गर्भ करे सो जाई, गरीब दास की प्रभु सरनाई, जो जो सरनी पिया हरि राई, सो दासु रख्या अपने कंठी लाई, जे को बहुत करे अहंकारू, ओह खिन में रुलता खाकू नाली। राम नाम परमात्मा के सेवकों का कवच है। दुष्ट लोग उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जो लोग अहंकार करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं।
किंतु विनम्र जन प्रभु राम की शरण में सुख भोगते। जो जो गर्दो करे सो जाई गरीब दास की प्रभु सरनाई। जो जो जीव परमात्मा की शरण लेते हैं उनको परमात्मा अपने गले से लगाए रखते हैं। जो कोई गुमान करता है वह क्षण भर में ही खाक में मिल जाता है। जे को बहुतु करे अंकारू ओहु खिन में रुलता खाकू नाली। है भी साचा होवन हारू सदा सदा जाई बलहार। अपने दास रखे कृपा तारी नानक के प्रभ प्राण आधार। हे परमात्मा वे परमात्मा सत्य है पर भविष्य में भी सत्य का स्वरूप है, इसलिए हम सदा उसी पर बलिहार जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रभु कृपा पूर्वक अपने दासों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन का एकमात्र आधार। अपने दास रखे कृपा तारी नानक के प्रभ प्राण आधार। गोड़ मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। ना इहू बुढ़ा ना इहू बाला ना इसु दुखु नहीं जम जाला। ना इहू मिनसे ना इहू जाई आदि जुगादि रेया समय। अध्यात्मिका की ये कथा अनुपम है। जीवात्मा स्वयं पर ब्रह्म का ही रूप है, अद्वैत है। ये जीवात्मा ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी बालक कहलाता है। इसे कोई दुख या यमदूतों का भय कभी नहीं हुआ। इसका नाश भी कभी नहीं होता। ना ये कभी जन्मता है और आदि और अंत अर्थात सब समय ये विद्यमान रहता है। ना ही मुंसे ना इहू जाई आदि जुगादि रिया समय। ना इस उसनु नहीं इस सितो ना इस दसमनु ना इतो मितो ना इस अर्खू नहीं इस सोगो सब किचु इसका इहू करने जोगो। हमें गर्मी या सर्दी की अनुभूति नहीं होती। इसका कोई शत्रु या मित्र भी नहीं है। जीवात्मा हर्ष शोक से परे रहता है। सब कुछ इसी का है। ये सब कुछ करने में समर्थ है। ना इसु अर्खों ना इसे सोगो सब कुछ इसका इहु करने जोगो। ना इसु बापो नहीं इसी माया इहु अपरंपारु होतो आया। पाप पुण्य का इसे लेपू न लागे कट कट अंतरी सब भी जागे। तीनी गुना एक शक्ति उपाया महामाया ताकि है छाया। अचल अछेद पेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल। ताकि गति मिति कछु न जाई नानक ताके बलि बलि जाई। इसको जन्म देने वाला कोई माँ या बाप नहीं है। ये परे से परे शारीरिक सीमाओं से परे है। इस पर पाप पुण्य का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि ये घर घर में जागृत तत्व है। जीवात्मा ने ही अविद्या की शक्ति से त्रिगुणात्मक माया को पैदा किया। अज्ञान के कारण महामाया इसी की छाया है। स्वयं पर ब्रह्म का अंश होने के कारण वह अचल अभेद और अकाट्य है। परमात्मा हरि का दयालु और कृपालु रूप उसी में ही विद्यमान है। उसकी मति और स्थिति कोई नहीं जान सकता। इसलिए गुरु नानक जी बार बार उस पर कुर्बान है। ताकि गति मति कछु न जाई नानक ताके बलि बलि जाई। गौड़ मैला पंजवा संतन के बलिहारे जाऊं संतन के संगी राम गुण गाऊं। संत प्रसादी किलविक सभी गए संत सरनी वड भागी गए। संत जनों पर बलिहार जाओ संतों की संगति में राम का गुणगान करो।
संतों की कृपा से सब पाप धुल जाते हैं। ऊंचे भाग्य से ही संतों की प्राप्त संगति प्राप्त होती है। संत प्रसादी किलविक सभी गए संत सरनी वड़पागी पे। रामू जपत कछु विघ्नु न व्यापे गुर प्रसादी अपनो प्रभु जापे। पार ब्रह्मो जब हो त्याल साधु जन की करे रवाल काम क्रोधु इस तन ते जाई राम रतन वसे मने आई। प्रभु राम का नाम जपने से जीवन में कोई विघ्न नहीं रहता है। गुरु की कृपा से स्वयं परमात्मा का दर्शन संभव होता है। रामू जपत कछु विघ्नु ना आवे गुर प्रसादी अपनो प्रभु जापे। परमात्मा हरि जब दयालु होते हैं तो संतों की चरण धूलि प्राप्त होती है। पार ब्रह्म जब होए दयाल साधु जन की करे रवाल। इस शरीर में काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं और प्रभु राम का नाम मन में निवसित होता है। काम क्रोधु इसे तनते आई राम रत्नु वसे मनाई। सफलो जन्मो ताका परवानो पार ब्रह्मो निकटी करे जानो पाई भक्ति प्रभ कीर्तनी लागे जन्म जन्म का सोई ला जागे। चरण कमल जन का आधारो गुण गोविंद राउ सच्चो वे प्यारो दास जना की मनसा पूरी नानक सुख पावे जन तूरी। ऐसे जीवों का जीवन सफल हो जाता है। पर ब्रह्म को वे अपने निकटतर समझते हैं। वे जीव भक्ति भाव से परमात्मा का ये शुभगान करते हैं और युग युग से अज्ञान के कारण सोया हुआ उनका अंतर्मन जागृत होता है। पाई भक्ति प्रभु की इतनी लागे जन्म जन्म का सोया जागे। परमात्मा के सेवकों का एकमात्र सहारा प्रभु के चरण ही है। चरण कमल जन का अदारू परमात्मा के गुणों का सिमरन ही उसका सच्चा चरण है। गुण गोविंद रहूं सच्चो व्यापारू। तो नानक जी कहते हैं कि हे अपने सेवकों की इच्छा पूर्ण करो ताकि उन्हें संतों की चरण धूलि में सुख प्राप्त हो। नानक सुख पावे जंतुरी दास जना की मनसा पूरी। रागो गोड़ अछट पदिया महला पंज करु दो। एक ओंकार सतगुर प्रसादी करी नमस्कार पुरे गुरुदेव सफल मूर्ति सफल जाकी से। अंतर जामी पुरख विदाता आठ पहर नाम रंगी दाता। गुरु गोविंद गुरु गोपाल अपने दास को रखनहार। ऐ जीव पूरे गुरु को प्रणाम करो जिसके दर्शन से जीवन सफल होता है और सब फल प्राप्त होते हैं। करी नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूर्ति सफल जाकी से। परमात्मा हरि अंतर्यामी और कर्ता पुरुष हैं और गुरु आठों पहर उनके नाम रंग में लीन रहते। अंतर्यामी पुरख बिताता आठ पहर नाम रंगी जाता। गुरु ही गोविंद हैं गुरु ही सृष्टि पालक हैं और ये वही अपने दासों की रक्षा करते। पातशाही साहुई उमराऊ पति आई तुष्ट अंकारी मारी पचाई निंदक के मुखी किनो रोगो जय जयकारो करे सबो लोगो। वे बड़े बड़े अमीरों और बादशाहों को संतोष प्रदान करता है और दुष्टों अहंकारियों को मार करके नष्ट कर देता है। पातशाह साहु उमराऊ पति आए दुष्ट अहंकारी मारी पचाए। निंदक जन मुख से रुग्ण होते हैं और अन्य सब लोग उसका जय जयकार करते हैं। निंदक के मुखी किनो रोगो जय जयकारो करे सभी लोगों। संतन के मणि महा आनंदो संत जपी गुरुदेव भगवंतो संगति के मुख उज्जल पये सगल थान निंदक के गए।
संत जनों के मन में सदा आनंद निवसित होता है और गुरु की कृपा से नाम जप करके भगवत प्राप्ति होती है। संतों की संगति में रहने वाले जीवों के मुख सदा उज्जवल होते हैं और निंदक जन कहीं के भी नहीं रह जाते। संगति के मुख उज्जवल पे सकल थान निंदक के गे। सासी सासी जनु सदा सलाहे, पार ब्रह्म गो परवाए, सगल पै मिटे जाकी सरनी, निंदक मारी पाए सभी करनी। हर सांस पर सेवक जन उसी प्रभु का गुणगान करते हैं, किंतु पर ब्रह्म समान गुरु भी बड़ा बेपरवाह है। गुरु की शरण लेने से सब प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं और निंदकों को मार करके धरती में डाल दिया जाता है। सकल के मिटे जाकी सरनी, निंदक मारी पाए सभी तरनी। जन की निंदा करे न कोई, जो करे सो दुखिया हुई। आठ पहर जनु एक ते आए, जमुआ ताके निकट न जाए। जन निर्वैर सिंदक अंकारी, जन निर्वैर निंदक अंकारी, जन मन मानसी निंदक बेकारी। गुर के सिखी सतगुर ते आया, जन उबरे निंदक नरकी पाया। परमात्मा हरि के सेवकों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह दुख उठाता है। जन की निंदा करे ना कोई, जो करे सो दुखिया हुई। सेवक जन आठों पहर परमात्मा हरि का ध्यान करते हैं, यम दूत भी उनके समीप नहीं आते। आठ पहर जनों एक ते आए, जमुआ ताके निकट न जाए। परमात्मा हरि के सेवक निर्वैर भावी होते हैं, जबकि निंदक अहंकारी होते हैं। सेवक सबका भला चाहते हैं, किंतु निंदक दूसरों का बुरा विचारते हैं। गुरु के शिष्य परमात्मा हरि का ध्यान करते हैं, सेवकों को मुक्ति मिलती है, निंदक नरक में सड़ते हैं। गुरु के सिक्की सतगुर ते आया, जन उबरे निंदक नरकी पाया। सुनी साजन मेरे मित्र प्यारे, सती वचन बरती हरि द्वारे। जैसा करे तू वह तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नितरिया सतगुरता तेरी, करी कृपा राखू जन केरी। कहूँ नानक तिसु पर गुरु पलिहारी, जाके सिमरनी पैज सवारी। है मेरे मित्र, मेरे प्रिय, मेरे सच्चे वचनों को सुनो। परमात्मा के द्वार पर हमेशा सत्य व्याप्ता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अभिमानी जन की जड़ जरूर कट जाती है। जैसा करे तो वैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। निराश्रित जीवों का आश्रय सच्चा गुरु ही होता है। वही कृपा करके अपने सेवकों की रक्षा करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उस गुरु पर बलिहार जाते हैं जिसके सिमरन से जीव की बिगड़ी बनती। कहूँ नानक तिनु गुरु बलिहारी, जाके सिमरनी पैज सवारी।